हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो ये टॉपिक हमने हमारे लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिया था। हमने स्टडी किया था कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस किसे बोलते हैं और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस किसे बोलते हैं। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, उसको थोड़ा हम उसका इंट्रोडक्शन रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की वैल्यू ज़्यादा होती है। कर्ता यानी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यानी कर्म की वैल्यू ज़्यादा होती है और वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। तो अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता है तो वो सेंटेंस हो जाता है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, और अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट है तो वो सेंटेंस हो जाता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो ये एक मेन बात है जो हमें याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस होता है, ओके, और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस होता है। फिर हमने ये भी स्टडी किया था कि ये चैप्टर मेनली तीन वर्ड्स पे रिवॉल्व करता है। वो तीन वर्ड्स कौन से हैं? तो पहला वर्ड है सब्जेक्ट, सेकंड वर्ड है वर्ब और थर्ड है ऑब्जेक्ट। तो ये जो तीन मेन वर्ड है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर ये पूरा टॉपिक है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आप कैसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे आप एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने के लिए कौन से रूल है। ओके, तो तीन रूल है जो आपको, वैसे देखा जाए तो चार रूल है जो आपको याद रखने हैं। पहला जो रूल है वो ये है कि आपको ऑब्जेक्ट यानी कर्म को सब्जेक्ट के प्लेस में रखना है। ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस में, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये पहला रूल है। ओके, सेकंड रूल जो है उसका ये है कि आपको टू बी का फॉर्म रखना है। जो टू बी के फॉर्म्स आपको पता है तो टू बी का कोई भी एक फॉर्म आपको रखना है, ये उसका दूसरा रूल है। ओके, और तीसरा रूल है उसका कि वर्ब का आपको यूज करना है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। ओके, तो ये वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी ये तीसरा रूप होता है, उसको आप शॉर्ट में V3 के नाम से भी जानते हो। तो आपको वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, और चौथा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आपको बाय बाय कर देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे यानी सेंटेंस में पीछे ले जाना है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये पूरा टॉपिक है इन चार वर्ड्स के ऊपर है। वो चार वर्ड है ऑब्जेक्ट, टू बी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड सब्जेक्ट। ओके, तो आज हम देखेंगे कि जो टू बी के फॉर्म्स हैं एम इज आर, वॉज वर, बी बीन एंड बींग, जो डिफरेंट टू बी के फॉर्म से उसका कैसे यूज होता है वो हमें आज डिस्कस करना है। ओके, तो ये जो टू बी के फॉर्म है उसको हमें देखते हैं कि टू बी के कौन से फॉर्म है और उसका कैसे यूज होता है। तो टू बी का जो जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है एम, इज एंड आर। ओके, तो टू बी का एम इज, ये फॉर्म है एम इज आर, उसमें से एक कोई भी फॉर्म का यूज होगा कब? जब जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके, सेकंड जो टू बी का फॉर्म है वो है वॉज एंड वर। वो कब यूज होता है? जब सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस में। इसके हम एग्जांपल्स लेंगे और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी खाली देख लेते हैं कि कौन से टू बी के फॉर्म कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तीसरा जो टू बी का फॉर्म है वो बी है,
वो कहाँ यूज होता है? तो टू बी का फॉर्म जो बी है वो यूज होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस में यानी विल और शैल के साथ में। ओके, उसके अलावा भी उसका यूज होता है टू बी का फॉर्म का, जैसे विल और शैल के अलावा है कैन, मे, मस्ट, वुड, शुड, कूड, मे, माइट। ओके, तो ये सारे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसके साथ में, अगर इसमें से कोई भी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, वुड, शुड, कूड, मे, माइट, अगर ऐसा कोई वर्ब है तो उसके साथ में पैसिव वॉइस में क्या आएगा? टू बी का फॉर्म बी, यानी विल बी, शैल बी, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, वुड बी, शुड बी, कुड बी, मे बी और माइट बी। तो इस तरह से पैसिव वॉइस में बी आएगा। ओके, अब देखते हैं कि दूसरा उसका फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म है, वो है बीन। बीन कब आता है टू बी का फॉर्म? बीन आता है परफेक्ट टेंस में, वो आपको याद रखना है कि परफेक्ट टेंस का अगर सेंटेंस है तो उसमें टू बी का फॉर्म बीन आता है। परफेक्ट टेंस में कौन से आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ये तीन टेंस आते हैं। अगर शॉर्ट में कहना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज एंड हैव, पास्ट परफेक्ट यानी हैड, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आता है तो यानी हैव ही आएगा, और चौथा भी एक है हेल्पिंग वर्ब, वो आपको याद रखना है हैविंग। अगर सेंटेंस में हैविंग है तो भी उसके साथ में पैसिव वॉइस करने के टाइम पे क्या आएगा? बीन। तो अगर हैज, हैव, हैड या हैविंग सेंटेंस के अंदर है तो पैसिव वॉइस के टाइम पे वो क्या हो जाएगा? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, हैविंग बीन, इस तरह से। ओके ओके, नेक्स्ट जो टू बी का फॉर्म है वो है कंटिन्यूअस फॉर्म, उसका है बींग। अब बींग कब आता है? बींग आता है कंटिन्यूअस टेंसेस में। कंटिन्यूअस जो टेंसेस है उसके अंदर बींग आता है। ओके, कंटिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी टू बी का फॉर्म आता है एम इज आर, लेकिन आपको पैसिव वॉइस करने के टाइम पे एक एक्स्ट्रा टू बी का फॉर्म रखना है, वो है बी ई आई एन जी, बींग रखना है। ओके, कंटिन्यूअस टेंसेस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस है ओके, तो उसको पैसिव करने के टाइम पे हम टू बी का फॉर्म रखेंगे बीइंग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से टू बी के फॉर्म आते हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, इसका जो डिटेल में स्टडी है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कि पहला है टू बी का फॉर्म कैसे आता है, जो दूसरा रूल है यहाँ पे मैंने एरो किया है, दूसरा रूल है टू बी का फॉर्म रखना है आपको पैसिव वॉइस करने के टाइम पे। तो टू बी का फॉर्म, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ टू बी है वो कैसे आते हैं, तो अगर पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो उसका पैसिव करने के टाइम पे हम एम, इज और आर में से एक टू बी का फॉर्म रखेंगे। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है तो उसका पैसिव करने के टाइम पे हम टू बी के फॉर्म वॉज या वर में से एक का यूज करेंगे। और अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है यानी अगर सेंटेंस में विल है या शैल है तो उसका पैसिव करने के टाइम पे हम टू बी का फॉर्म बी रखेंगे। उसके अलावा अभी जो मॉडल वर्ब्स है वुड, शुड, कूड, कैन, मे, मस्ट, मे, माइट, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इनके साथ में भी बी आता है, यानी ये विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, वुड, शुड, कूड, मे, माइट में से कोई भी एक वर्ब है हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसका पैसिव करने के टाइम पे उसके बाद बी रखना है, यानी विल बी, शैल बी, कैन बी, मे बी, उस तरह से, तो तब बी आएगा। चौथा रूल, चौथा जो टू बी का फॉर्म है वो बीन है, यानी अगर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो उसका पैसिव करने के टाइम पे हम टू बी का फॉर्म रखेंगे बीन, ये आपको याद रखना है। ओके, और अगर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है यानी प्रेजेंट और या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है प्रेजेंट तो उसके या पास्ट कंटिन्यूअस का, तो उसका पैसिव करने के टाइम पे हम टू बी का फॉर्म रखेंगे बीइंग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हमने बात की
टू बी के फॉर्म्स की। तो जो सेकंड रूल है कि टू बी का फॉर्म आपको रखना है वो इस तरह से आएगा। फर्स्ट रूल जो है उसमें ऑब्जेक्ट आगे आता है, ओके, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस होता है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा। सेकंड है टू बी का फॉर्म, तो टू बी का फॉर्म हमने डिस्कस किया डिटेल में किस तरह से आएगा। तीसरा रूल जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो तो आपको वर्ब का एक ही फॉर्म यूज़ करना है, वो है पास्ट पार्टिसिपल। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस की आइडेंटिटी हो गई, ओके। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो उसमें वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल ही होगा, वही रखना है, कोई भी टेंस क्यों ना हो, पैसिव वॉइस में आपको उसका पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का V3 फॉर्म जो है, तीन बेसिक फॉर्म है वर्ब के, रूट फॉर्म, पास्ट फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल उसका ही आपको यूज़ करना है। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, उस सब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस में पीछे ले जाना है, ओके। अब इस बात को समझने के लिए हम एक दो सेंटेंसेस देख लेते हैं तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि किस तरह से ये होता है, ओके। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, आई वॉच मूवीज, ओके। तो ये एक सेंटेंस है, आई वॉच मूवीज। अगर इस सेंटेंस में हम पहले डिस्कस करें तो मेन तीन चीज़ हैं। तो पहला है आई, जो कि एक सब्जेक्ट है, फिर है वॉच जो एक वर्ब है, और फिर है मूवीज के जो एक ऑब्जेक्ट है, ओके। तो मूवीज जो है वो है ऑब्जेक्ट, वॉच है वो है वर्ब, ओके। अब इस सेंटेंस को हमें अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ये जो तीन रूल है, मैं थोड़ा इसको दिखा देता हूँ कि तीन रूल है। पहला जो हमने रूल अप्लाई करना है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे और सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ओके। तो पहला जो वर्ड है वो कौन सा आ जाएगा, मूवीज, ओके। तो ये पहला रूल हो गया, ऑब्जेक्ट आगे आ गया। सेकंड रूल है टू बी का फॉर्म रखना है। ये सेंटेंस जो है देखो वॉच यानी रूट फॉर्म है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें टू बी का फॉर्म आएगा एम इज और आर में से एक। यहाँ पे मूवीज जो है प्लूरल है, वो बहुवचन है, तो इसमें टू बी का फॉर्म आएगा आर। तो ये दूसरा रूल जो है टू बी का फॉर्म वाला, ये हमने अप्लाई कर दिया। तीसरा रूल है पास्ट पार्टिसिपल, वॉच जो है उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है वॉच्ड, ओके। तो ये भी हो गया, हमने अप्लाई कर दिया रूल। और लास्ट जो है वो है सब्जेक्ट, जो पीछे चला जाता है, सब्जेक्ट को बाय बाय कर देना है, तो आई चला जाएगा पीछे और आई का हो जाएगा बाय मी। तो इसमें आई जो है उसका हो जाता है बाय मी, ये आपको चीज एक याद रखनी है कि आई का हो जाता है बाय मी। क्यों? क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वो हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पे ही आता है, यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है। सब्जेक्ट का प्लेस कहाँ होता है, स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आता है। लेकिन इस आई को जब आप ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हो तो जगह ऑब्जेक्ट की है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है और आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है बाय मी, ओके। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। एक काम करते हैं, इसी सेंटेंस को हम सारे डिफरेंट प्लेस पे यूज करते हैं, तो ताकि आपको समझने में ये थोड़ी आसानी रहेगी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ओके, वही सेंटेंस है क्योंकि खाली इसमें जो टॉपिक है वो चेंज कर देते हैं। आई वॉच द मूवीज, ओके। तो ये अगर सेंटेंस देख ले, वही सेंटेंस है, खाली मैंने यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया है, वॉच का हो गया वॉच्ड, यानी पास्ट टेंस हो गया। तो सेंटेंस में मोस्टली सारी चीजें सेम रहेगी, एक ही चीज चेंज हो जाएगी, वो है आर। बाकी तो वॉच्ड का वॉच्ड ही आएगा यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि जिस वर्ब में ईडी लगता है उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होता है। तो अगर सेकंड फॉर्म वॉच्ड है तो थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगेगा, वॉच्ड ही होगा। खाली आर की जगह पे आर जो है, एम इज आर, वो पैसिव वॉइस में कब आता है, जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस का है, तो वहाँ पे हम रखेंगे वॉज या वर, ओके। तो डिपेंड करता है जो आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल, देखते हैं किस तरह से।
तो यहाँ पे है वॉच्ड, ओके वर्ब है, वर्ब के बराबर पीछे होता है सब ऑब्जेक्ट यानी कि मूवीज, वर्ब के बराबर पीछे ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस छोटा या बड़ा, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक वर्ब कहाँ है उसको ढूंढना है, वर्ब जहाँ भी है उसके बराबर पीछे होगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मूवीज जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट कौन सा है आई, ओके तो ये जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पे ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो चलिए करते हैं, तो पहले मैंने ऊपर सेंटेंस बनाया है, उस सेंटेंस के हिसाब से तो हमें आगे बढ़ना है। तो पहले तो मूवीज जो है वो आगे आएगा, बहुत चेंजेस नहीं आएंगे, खाली टेंस में चेंज है। तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया, पहला रूल अप्लाई कर दिया। सेकंड रूल जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, सेकंड रूल क्या था कि आपको टू बी का फॉर्म जो है, टू बी का फॉर्म रखना है। अभी ऑब्जेक्ट तो आपने आगे ला दिया, अभी आपको टू बी का फॉर्म रखना है। अभी टेंस कौन सा है उसके हिसाब से टू बी का फॉर्म आएगा। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है तो टू बी का फॉर्म वॉज या वर में से आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आता है एम इज आर में से एक, ओके तो अभी यहाँ पे सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का। कैसे मालूम पड़ा, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, वर्ब के पीछे खाली ईडी लगा हुआ है तो सेकंड फॉर्म है और वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, ओके तो ये ऑब्जेक्ट मैंने आगे ला दिया। सेकंड जो रूल है वो है टू बी का फॉर्म लगाना है, टू बी का फॉर्म यहाँ पे वॉज वर्ब में से एक आएगा, लेकिन मूवीज यहाँ पे बहुवचन प्लुरल है, यहाँ पे एक मूवी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुवचन है मूवीज की बात हो रही है, इसलिए टू बी का फॉर्म आएगा वर, ओके टू बी का फॉर्म वर रख दिया। सेकंड रूल भी अप्लाई हो गया। थर्ड रूल जो है वो कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल, देखो थर्ड रूल है पास्ट पार्टिसिपल, तो हमें क्या करना है, अभी हम रखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब वॉच्ड है उसका पास्ट पार्टिसिपल भी वॉच्ड ही होता है, ओके तो मूवीज वर वॉच्ड पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और लास्ट जो रूल है वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चला जाता है पीछे, सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे, लेकिन आई जो है पीछे नहीं जाएगा क्योंकि वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो आई का हो जाएगा बाय मी, ओके तो ये हमने सेकंड एग्जांपल लिया। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सेकंड एग्जांपल हमने लिया है सिंपल पास्ट टेंस का, ओके अभी हम देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरह से होता है सेंटेंस। आई विल वॉच मूवीज, ओके डन। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रखे हैं, हमें क्योंकि मेन चीज समझनी है वो है वर्ब में कैसे चेंज होता है, टू बी का फॉर्म कैसे आता है। तो यहाँ पे वर्ब है वॉच, उसके आगे है विल, तो विल या शैल जो है विल या शैल जो है, यहाँ पे आई के साथ में आप शैल भी यूज करते हो, यूज कर सकते हो क्योंकि आई वी के साथ में शैल आते, लेकिन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ओके यू कैन ऑल्सो यूज शैल, बट कई बार क्या होता है कि फ्यूचर में कंफर्मेशन दिखाने के लिए शैल की जगह पे विल का यूज होता है, ओके तो शैल हो या विल हो वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस, ओके तो ये फ्यूचर टेंस है और यहाँ पे वर्ब है वॉच, वॉच के पीछे ऑब्जेक्ट है मूवीज, तो पहला रूल के हिसाब से मूवीज आ जाएगा आगे, तो मूवीज आ गया आगे, ओके फिर जो टू बी विल तो है फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस ही रखना, यानी विल तो आएगा ही, ओके तो हमने ऑब्जेक्ट आगे लग दिया है मूवीज, फिर विल का विल रखा है, फिर टू बी का फॉर्म कौन सा रखना है, टू बी का फॉर्म आएगा बी, विल शैल कैन मे मस्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। देखो यहाँ पे ये जो टू बी के फॉर्म्स है उसमें देखो ये बी कहाँ पे आता है, तो विल और शैल के साथ में, उसके अलावा कैन मे मस्ट वुड शुड कुड मे माइट इसमें से कुछ भी हो तो टू बी का फॉर्म कौन सा आता है, वो आता है बी, ओके और थर्ड रूल जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल, तो वॉच्ड का, वॉच का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा वॉच्ड, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब का रूट फॉर्म आता है, तो वैसे वो इसमें तो हमेशा एक ही फॉर्म आता है पास्ट पार्टिसिपल, तो वॉच का हो जाएगा वॉच्ड और आई पीछे चला जाएगा, हो जाएगा बाय मी, ओके तो दोस्तों ये हो गया मूवीज विल बी वॉच्ड बाय मी। अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो डिस्कस करते हैं, यही सेंटेंस लेते हैं, टेंस चेंज करते हैं, ओके आई एम वॉचिंग मूवीज, ओके फॉर अंडरस्टैंडिंग वी आर यूजिंग मूवीज हियर। तो मूवीज जो है वो प्लूरल फॉर्म है, एक इंसान एक टाइम पे एक ही मूवी देखता है, तो एक्चुअली प्रैक्टिकली तो आई एम वॉचिंग अ मूवी आना चाहिए, लेकिन ठीक है समझने के लिए हम थोड़ा अभी इसको ले लेते हैं, ओके तो यानी दूसरे कोई चेंज नहीं करते हैं ताकि अब कन्फ्यूजन आपको कोई भी ना हो।
तो यहाँ पे मैंने खाली टेंस ही चेंज किया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आई एम वॉचिंग मूवी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है, आई एम वॉचिंग मूवीज। ओके, इसमें भी सेम आपको रूल अप्लाई करने हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है मूवीज वो आ जाएगा आगे और आई चला जाएगा पीछे, तो मूवीज जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा मूवीज। अब ये मूवीज जो है वो प्लूरल है, तो एक चेंज होगा, यहाँ पे पहले क्या था एम था, एम क्यों था क्योंकि आगे आई था, लेकिन अभी आई आगे रहने वाला नहीं है, उसकी जगह पे क्या आ गया मूवीज आ गया। मूवीज जो है प्लूरल है तो यहाँ पे एम की जगह पे आपको कर देना पड़ेगा आर। ये आर और एम दोनों एक्चुअली टू बी के फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस में जो हम टू बी का फॉर्म बाहर से एक्स्ट्रा रखते हैं वो अलग से रहेगा। ये तो एक्चुअली दिया हुआ था टू बी का फॉर्म, उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें तो अलग से टू बी का फॉर्म रखना है। और वो कौन सा आएगा, वो आएगा बी ई आई एन जी, क्योंकि यहाँ पे देखो आप देख सकते हो यहाँ पे आई एन जी है, तो जब आई एन जी कब होते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, तो जब आई एन जी होता है तब टू बी का फॉर्म कौन सा आता है, बी ई आई एन जी, बीइंग, ये आपको याद रखना है। ओके, तो मूवीज आर, फिर टू बी का फॉर्म आएगा बीइंग, आर बीइंग, फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा वर्ब, वर्ब का वॉच का हो जाएगा वॉच्ड, और आई का हो जाएगा बाय मी। ओके, मूवीज आर बीइंग वॉच्ड बाय मी, ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आर था, लेकिन अपने हमने दूसरा सेकंड फॉर्म रखा बीइंग, टू बी का फॉर्म, और उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल आ गया वॉच्ड बाय मी। चलिए अभी एक लास्ट जो है परफेक्ट टेंस का भी सेंटेंस ले लेते हैं, ताकि आपको ये एकदम आसानी रहे। आई हैव वॉच्ड मूवीज, आई हैव मूवीज, ओके, आई हैव वॉच्ड मूवीज। ओके, अभी इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसमें वर्ब है वॉच्ड, उसके पीछे है मूवीज, ये मूवीज आगे आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, जैसे हमने आगे करते आए हैं अभी मूवीज। ये प्लूरल है तो हैव का हैव रहेगा, अगर सपोज ही शी इट होता या जो ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है वो सिंगुलर में होता तो हैव की जगह पे हमें हैज रखना पड़ता, जैसे हमने आगे यहाँ पे एम का आर किया वैसे हमें हैव का हैज करना पड़ता, पर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल ही है और प्लूरल में हमेशा हैव ही आता है, तो हैव का हैव रहेगा। ओके, अब ऑब्जेक्ट आगे आ गया हैव का हैव, अब टू बी का फॉर्म कौन सा आता है, बीन। ओके, ये हमें एक याद रखना है, मैंने आगे भी आपको समझाया कि अगर प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो उसमें क्या आता है, बीन आता है। ओके, तो यहाँ पे बीन आएगा टू बी का फॉर्म, फिर पास्ट पार्टिसिपल तो वॉच्ड का वॉच्ड ही रहता है, देखो परफेक्ट टेंस के अंदर एक्टिव हो या पैसिव वॉइस हो दोनों के अंदर पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज होता है, तो वॉच्ड का वॉच्ड आएगा और जो ये आई है वो पीछे चला जाएगा, उसका हो जाएगा बाय मी। ओके, तो यहाँ पे हैव और हैज के साथ में क्या आता है, बीन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये सारे के सेंटेंस के एग्जांपल लेके ये पूरी बात को समझा दिया है, इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे, सारी डिफरेंट एक्सरसाइज जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम इतना रखते हैं। ओके, तो इसमें अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके देन, बाय बाय, सी यू सून। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।